नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आज आपको कैरी की चटनी बता रही हूँ। और ये जो कैरी की चटनी है वो जैम जैसी है बिल्कुल, और इसे हम गूदे से बनाएंगे। अब मैं इसका आपको प्रोसेस बताती हूँ। कैरी की चटनी बनाने के लिए हमने 3 पकी हुई कैरियाँ ली है और 3 थोड़ी कच्ची, और इनको हम कुकर में डाल के और थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी थोड़ा सा इसमें कम ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसमें नहीं चाहिए। अब हम इसकी 2 सीटी करवा लेते हैं। कैरी की चटनी के लिए कैरी को हमने 2 सीटी दे दी, और अब हम इसको सब कैरियों को इसमें से निकाल लेंगे। और फिर इनका ठंडा करके और इनका गूदा निकाल लेंगे, इनका छिलका हटा देंगे, और जो इनके ऊपर काला सा लगा हुआ है वो सब इसमें से हटा देंगे। और अब इसको इसका ऊपर का ये हटा के, और अभी गर्म है, और फिर इसका जो छिलका है उसके अंदर का गूदा जो कि गुठली के बाहर और छिलके के अंदर है, उस गूदे को हम इस पानी में निकाल लेंगे। हमने ये कैरी का सारा गूदा निकाल लिया है, और अब हम इसको छौंक लगाएंगे। कैरी की चटनी के लिए हम 2 चम्मच इसमें तेल डालेंगे, करीब 30 मिलीलीटर के करीब, और जैसे ये गर्म होगा तब हम छौंक लगाएंगे। कैरी की चटनी को छौंकने के लिए सबसे पहले हम राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, और थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, और आधा चम्मच हींग डालेंगे। उसके बाद में जो हमने ये पेस्ट बनाया हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे। एक मिनट बाद हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। मसाले में स्वाद के अनुसार हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, लेकिन काला नमक इसमें हमको ज़रूर डालना है। काला नमक के बाद में हम सिका हुआ जीरा, भुना हुआ जीरा, और पुदीना पाउडर, उसके अलावा हम सौंफ डालेंगे, लाल मिर्च जितनी जो टेस्ट के अनुसार खाते हैं, लेकिन इसमें लाल मिर्च अगर ज़्यादा डालते हैं तो अच्छी लगती है, हल्दी इसमें कम डलेगी, और धनिया पाउडर भी हम इसमें कम डालेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम थोड़ी सी शक्कर, 50 ग्राम के करीब हमने शक्कर डाली है, अगर थोड़ी और डालनी पड़ेगी तो हम बाद में देख लेंगे, एक बार हम इसको कुक कर लेते हैं। एक दो मिनट बाद में ये इस तरह की हो जाएगी। ये थोड़ी सी खट्टी ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसमें 20-25 ग्राम शक्कर और डाल रही हूँ। ये कैरी के ऊपर निर्भर करता है कि कैरी कितनी खट्टी है और कितनी मीठी है, तो ये कैरी अभी थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी आ रही है, इसलिए इसमें या तो गुड़ या चीनी जो भी हम डालेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। और मैं इसको ढक इसलिए रही हूँ क्योंकि ये उछल रहा है, इसके ये जो उछल उछल के ये टपके हैं ये हमारे लग सकते हैं, इसलिए इसको ढकना ज़रूरी है। 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और 5 मिनट में ये बहुत अच्छा जैम जैसी चटनी बन रही है, और अब बहुत ज़्यादा ये उचक भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी एक भी टपका अगर हमारे शरीर पे लग जाता है तो बहुत गरम गरम हमको दुख देता है ये, इसलिए। और ये देखिए करीब इस तरह की बन गई, लेकिन एक मिनट हम इसको
और पका लेते हैं। इसमें जितना पेक्टिन होता है जिस भी फ्रूट और वेजिटेबल में, तो वो पेक्टिन जो है वो चीनी यानी शक्कर और एसिड यानी कोई भी खटाई वाली चीज़, तो कैरी में खटाई है और हमने शक्कर डाला है, तो पेक्टिन जो है वो इस तरह का बिल्कुल चिकना वाला जेली जैसा, जैम जैसा रूप इसको दे देता है। तो मैं इसको 2 मिनट और पका लेती हूँ। अब 2-3 मिनट और हो गए और आप ये देखें कि इसमें तेल भी निकलने लग गया। इसका मतलब ये है कि पूरी जो चटनी है वो पक चुकी है, जैसा जैम जेली पकते हैं उस तरीके से ये पूरी पक चुकी है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको सर्व करेंगे। आप देखें इस तरह से ये बिल्कुल, इसका जो टेक्सचर अगर हम देखेंगे तो भी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया। तो इसकी यही एक खासियत है, अगर हम जब जेली बनाते हैं, जैम बनाते हैं, कि ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए जो इसका जो पेक्टिन है। अब मैं इसका गैस बंद कर देती हूँ। इस तरह से जो हमने कैरी की चटनी बनाई है वो कंप्लीट होती है। और ये कैरी की चटनी जो है वो कैरी के जो इसका अंदर का गूदा है उसको निकाल के हमने बनाई है।